मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना भी हमने शुरू की है। 5 लाख का लोन और 5 लाख रुपया अनुदान में, और कुछ लोग इसमें जिलों में ठग रहे हैं। हम उद्यमी योजना में लोन दिलाने के लिए 1-1 लाख 2-2 लाख वसूल रहा था। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आए, एकदम ट्रांसपेरेंसी से होगा और किसी की पैरवी नहीं चलने वाली, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन आज पटना में हैं और उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत भी की है। आपको पता है कि बिहार में सरकार के गठन के बाद, यानी कि इस बार नई सरकार के गठन के बाद, काफ़ी प्रेशर है कि उद्योग की स्थापना बिहार में की जाए और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम भी करे ताकि रोजगार का सृजन हो पाए। और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन इसको लेकर काम भी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी लाई गई, जिसमें महिलाओं को खास तौर पर रखा गया है और महिलाओं के लिए ये जो कार्यक्रम है उसमें काफ़ी सारी सुविधाएँ भी दी गई है। लोन की बात कही जा रही है कि 5 लाख रुपये लोन दिया जाएगा, जिसमें कि 0% इंटरेस्ट लगेगा, जिससे महिलाओं को काफी फायदा होगा। उनका कहना है कि काफी सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं जो कि लोन के लिए है, लेकिन इस बीच में फर्जीवाड़ा भी काफी हो रहा है। कई जिलों से रिपोर्ट आई है कि लोन दिलवाने के लिए कई लोगों से ठगी कर रहे हैं, 1-2 लाख रुपए ले रहे हैं लोन दिलवाने के नाम पर। ऐसा उन्होंने लोगों को सपोर्ट करने से मना किया है कि अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो आप पैसे ना दें। इस विषय में क्या कुछ कहा है शाहनवाज हुसैन ने, आप सुनिए। खासतौर पर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना भी हमने शुरू की है, 5 लाख का लोन और 5 लाख रुपया अनुदान में, यानी लोन भी जो है वो 0% इंटरेस्ट पे। तो हर ज़िले में 50 से ज़्यादा उद्यमी वो खड़ी हो जाएंगी। तो हमने तो पहले से महिला उद्यमी योजना शुरू किया, उसका रिस्पॉन्स तो इतना है कि जितना योजना है उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। अब मीडिया यहाँ मौजूद है, एक बात जिम्मेदारी से आप लोग को कहते हैं, इसको चलाइएगा ज़रूर। महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा उद्यमी योजना, इन योजना में पूरी ट्रांसपेरेंसी से, इसमें किसी की पैरवी नहीं चलने वाली है। और कुछ लोग इसमें ज़िलों में ठग रहे हैं। हमने कल एक FIR कराया है कि उद्यमी योजना में लोन दिलाने के लिए 1-1 लाख 2-2 लाख वसूल रहा था। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आए, एकदम ट्रांसपेरेंसी से होगा और किसी की पैरवी नहीं चलने वाली, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो। जो उद्यमी, जो उनके कागजात होंगे उसको जांच के बाद ही उनको लोन दिया जाएगा, ये उद्यमी योजना किया जाएगा। तो ऐसे हज़ारों उद्यमी खड़े होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो अलग से कहा कि महिला उद्यमी योजना चलाइए, तो हम लोग महिला उद्यमी योजना भी चला रहे हैं। तो आपने उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को सुना, उन्होंने बताया है कि अगर आपके भी ज़िले में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लोन दिलाने के लिए अगर कोई पैसों की वसूली कर रहा है तो आप हरगिज़ भी उस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपको 5 लाख का लोन के लिए 1 लाख रुपये पहले चुकाने होंगे। इस तरह के जो लोग हैं वो बाज़ार में निकल कर फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारे लोग इसमें फंस भी गए हैं। तो जो भी सरकार की तरफ से अधिकृत लोग हैं वे ही इन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे और इन सभी चीज़ों को लेकर वे ही काम करने वाले हैं। आप एप्लीकेशन भरे तब जाकर सरकार की तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा उसके मद्देनज़र ही आपको काम करना होगा। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।